नमस्कार, आशीष मित्तल अगेन फ्रॉम आर्सन। फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं लाया हूँ टीकवुड का टेंपल, मंदिर, अल्टार बोलते हैं काफ़ी लोग, और देवस्थानम, देवघर, मंटपा, ये सब नाम से मंदिर हम अलग अलग घरों में, अलग अलग एरिया में जाने आते हैं। मंदिर हम बहुत साइज के बनाते हैं, छोटा 8 इंच से लेके हमने 10 फीट तक का मंदिर बनाया है। ये मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 फीट में है। 4 फीट मतलब लेफ्ट टू राइट 4 फीट, 4 फीट हाइट इसकी, लगभग 5 फीट के अप्रॉक्स है, और डेप्थ है 20 इंचेस। इसी डिजाइन में ये मंदिर है विद डोर, ये ओपन और ये विद डोर। विद डोर में हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा गहराई चाहिए होती है, तो ये 24 इंचेस टोटल गहराई है इस मंदिर की। हाइट वही है लगभग 5 फीट के आसपास, और लेंथ है 4 फीट। अभी बात करते हैं डिजाइन की, इससे स्टार्ट करते हैं। ये 4 फीट की टेंपल है और प्लेटफॉर्म की हाइट है 15 इंच, ग्राउंड से ऊपर तक 15 इंच। जब आप बैठकर पूजा करते हैं 15-16 इंच बहुत सही ऊंचाई है, जिसके ऊपर आप अपनी आइडल्स रखकर कंफर्टेबली पूजा कर सकते हैं। अब इस मंदिर का डिजाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। पीकॉक का डिजाइन साथ में मयूर, दो मयूर पीछे देखते हुए। टीक वुड की यूनिट है ये, और टीक फिनिश में हाई ग्लॉस फिनिश इसको दी गई है। जब आप ओपन यूनिट लेते हैं तो आपके पास ये एरिया पूरा क्लियर मिलता है, तो 20 इंचेस हमारे पास काफी गहराई होती है एक ओपन यूनिट में। लेकिन अगर आप यही यूनिट विद डोर्स पसंद करते हैं तो यूनिट बनती है कुछ इस तरह से। अब क्योंकि हमारे पास ये हाथी का पिलर और ये मोर का डिजाइन यहाँ पर फ्रंट में है, इसके साथ डोर चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अलग से बॉक्स बनता है डोर के लिए पीछे। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस फ्रंट का कम हो जाता है देवघर के हिसाब से। तो ये अंदर का एरिया है जो हमें यूजेबल मिलता है। तो 24 इंचेस में लगभग 12 इंच का हमें फ्रंट टू बैक अंदर का एरिया और क्लियर स्पेस मिलता है। डोर के बाद हमारे पास के अंदर दो ड्रॉर्स हैं, एक दिया ट्रे और बीच में एक और ड्रॉर स्टेप की शेप में। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप डिजाइन में चाहें तो हो सकती है। जैसे अगर आप ये यूनिट देखें तो क्लाइंट ने ये अपने हिसाब से मॉडिफाई कराई है। इसमें इन्होंने बड़ी दिया ट्रे ली है और नीचे इन्होंने इसके अंदर एक छोटी सी कैबिनेट ली है, जिसका डोर नीचे की तरफ खुलता है। तो मॉडिफिकेशन आप जैसे चाहें हम कर सकते हैं आपके लिए। डिजाइन कुछ इस तरह से बनते हैं। जब आप ओपन डोर लेते हैं तो साइड से हम कुछ इस तरह का डिजाइन निकाल कर देते हैं। इसमें अगर आप बिल्कुल ओपन चाहें तो साइड की जाली हटाकर यहां पर छोटी रेलिंग दे सकते हैं, वो भी काफी मॉडल पसंद किया जाता है। हर तरफ से वुड कार्व करके बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन ये बनाया गया है। ये फिक्स्ड यूनिट है क्योंकि ये इंडिया में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया हम इन्हें नॉकडाउन बनाते हैं, जिसे सारे हिस्से अलग कर उसको हम एक साइड पर असेंबल कर सकें घर में। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं और आगे की वीडियो में। ये डिजाइन देखिए, साइड से बहुत ही खूबसूरती से ये डिजाइन बनाया गया है बॉक्स के हिसाब से, क्योंकि अंदर का एरिया बंद है। अब मैं बात करना चाहूंगा दो या तीन मुख्य बातों की जब क्लाइंट्स हमसे मंदिर कस्टमाइज कराते हैं। देखिए, कस्टमाइजेशन जरूरी क्यों है? हर घर का मंदिर का स्पेस अलग होता है, हर घर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपको दीवार पर लगाना है, चौकी के ऊपर रखना है, जमीन पर रखना है, कितना बड़ा बनाना है, कितनी बड़ी आपके पास मूर्ति है और कितनी सारी मूर्तियां हैं या बड़ी फोटो है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपका मंदिर डिजाइन होता है। इन दोनों का ताज कंपेयर कीजिए, इन दोनों के ताज में इतना डिफरेंस क्यों है? जब हम मंदिर डिजाइन करते हैं हमें प्रोपोर्शन भी देखना है और हमें मंदिर की खूबसूरती भी देखनी है। डोर नहीं होने की वजह से इसका लुक थोड़ा हल्का है। अगर हल्का लुक आ रहा है तो ताज भी हमने उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हल्के लुक में लिया है, बहुत हैवी ताज इसके अंदर थोड़ा सा ऑड लगेगा।
डोर होने की वजह से आप देख सकते हैं कितना हैवी लुक फ्रंट का आ रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग इसका ताज भी हैवी लुक में डिजाइन किया गया है। इसके कंपैरिजन में हम मंदिर बहुत सालों से बना रहे हैं, लगभग 30 से 35 साल हमें मंदिर बनाते हुए हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि कैसे मंदिर के अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं, और फाइनल लुक में भी जो थोड़े बहुत चेंजेस हम चाहें आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कस्टमाइजेशन के टाइम पर। दोनों मंदिर आपके सामने हैं, सेम साइज में हैं, लगभग बराबर हाइट है, 2-3 इंच का फर्क है, गहराई एक की 20 इंच है, एक की 24 इंच है, ये बिना डोर का है, वो विद डोर है, बाकी डिजाइन मोस्टली सेम ही है। काम आपके सामने है, सब कार्विंग के अंदर बड़ा खूबसूरत काम किया गया है। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट सजेशंस होंगी हम बिल्कुल आपको देंगे। प्राइस के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ कमेंट्स दें, कुछ सजेशंस दें कि हम अपनी वीडियोस को, अपने काम को कैसे इम्प्रूव करें। मंदिर आपके सामने है, और सामान लेके मैं आपके आगे फिर से आऊँगा। धन्यवाद।